नमस्कार बच्चों, मैं हूं उषा वर्मा। आज हम बसंत भाग एक कक्षा छः हिंदी के दूसरे पाठ बचपन कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बचपन कहानी की लेखिका हैं श्रीमती कृष्णा सोबती जी। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम यह बता दें कि इस पाठ की लेखिका अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि जब वह छोटी थी तब उनका बचपन कैसा था। इन बातों से अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए लिखती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। मैं बताती है कि मैं तुम इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी नानी दादी हो सकती हूँ, और लेकिन मुझे सब क्या बुलाते हैं, जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब 100 साल। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका कहती है कि मुझे अब उम्र के कारण सयाना महसूस होता है, और इसलिए क्योंकि मैं पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी, और पहले और अभी में बहुत बदलाव आ गया है। मुझे पहले मैं रंग बिरंगे पहनती थी, लेकिन अब मुझे केवल सफ़ेद कलर ही ठीक लगते हैं। और बताती है कि मैंने पिछले 10 साल में, दशक मतलब 10 साल पहले भी अलग अलग कपड़े पहने हैं, और लेकिन अब मुझे क्या अच्छा लगता है, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब याद है। वो अपने बचपन को याद करते हुए बताती है कि मुझे अभी अपने बचपन के फ्रॉक याद है, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कलर वाला, और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल मतलब झालर, जिसमें फ्रॉक में झालर लगी थी, और उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में उतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फरटकी हुई। लेखिका अपने पोशाकों के बारे में याद करते हुए कहती है कि 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक मतलब एक ढीला ढाला कपड़ा, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी बात है याद है। लेखिका बताती है कि मुझे मोजे, स्टॉकिंग, ये सब चीज़ याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका बताती है कि हमें मोजे अपने खुद धोने पड़ते थे, शायद ऐसा इसलिए करते थे कि बच्चे अपना काम करना सीखे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, इतवार को जब छुट्टी रहती सब बच्चों को अपने मोजे धोने पड़ते थे, और धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते पॉलिश की चमक उभरने लगती, हम लोग कपड़े जो जूते रहते थे उसको एकदम रगड़ रगड़ के साफ करते थे। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले कहीं ज़्यादा आरामदेह है। अब जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका कहती है कि मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था क्योंकि अब नए नए जूते आ गए हैं, पहले से कहीं ज़्यादा भी आरामदायक है। और पहले हम जब जूते पहनते थे तो क्या करते थे, इसका इलाज भी शुरू हो जाता था। कैसे, देखिए आगे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका बताते हैं कि आजकल तो नए नए जूते आ गए हैं, और हमारे ज़माने में तो एक ही प्रकार के थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारे पास छालों का इलाज था। हम लोग कहीं भी जाते तो क्या करते, रुई रख लेते, और जैसे ही जूता लगा मतलब छाले हुए तो हम रुई, जो रुई रखे रहते थे उसको मोजे के अंदर डाल लेते थे। और आजकल
तो कई प्रकार के जूते हैं, तो हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। हर शनिवार को हमें आलिव आयल या केस्टर आयल पीना पड़ता, शनिचर, शनिचर मतलब शनिवार, और आलिव आयल मतलब जैतून का तेल, और केस्टर आयल मतलब अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। लेखिका कहती कि हर शनिचर को सब बच्चों को ये अरंडी का तेल और जैतून का तेल पीना पड़ता था, तो हमको सुबह से ही ऐसे इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। लेखिका बताती थी छोटे कांच के गिलास जिसमें कितना पीना है उसकी मात्रा के लिए निशान पड़े रहते, और उसको देख के ही हमको उल्टी आने लगती, मितली आने उल्टी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं होता था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका बताती कि यदि हम वो दवा नहीं पीते तब भी शायद हम ठीक ही रहते, हमारी तबीयत ठीक ही रहती। लेखिका आगे लिखती हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। दिलचस्पी मतलब रुचि जो हमारी होती है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, ग्रामोफोन मतलब जिसे म्यूजिक सुना जाता है, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, है ना। ग्रामोफोन में सिर्फ सुनाई देता है, रेडियो टेलीविज़न में दिखाई भी देता है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। क्या बोलती है कि हम लोग कुल्फ़ी खाते थे वो आजकल आइसक्रीम में चेंज हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। लेखिका बताती है कि जो हम लोग कचौड़ी समोसा खाते थे वो आजकल पैटीज खाते हैं। शहतूत फालसे खसखस के शरबत किस में बदल गए हैं, कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं लेमेंड विमटो मिलती थी। लेखिका बताती है कि कोक नहीं लेमेंड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। लेखिका बताती है कि जो बच्चे शिमला और दिल्ली में बड़े हुए उनको वैगर्स और डेविको ये सब चीज़ मज़ा देने वाली चीज़ें मिलती थी। बताती हैं कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका बताती कि हमारे भाई बहनों की अलग अलग ड्यूटी रहती थी कि कौन ब्राउन ब्रेड लाएगा, और ब्राउन ब्रेड मतलब ब्रेड जो आप खाते हो सैंडविच ये सब बना के, है ना। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से उतराए उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। लेखिका बताती कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी चढ़ाई करते और गिरजा मैदान पहुँचाते और एक उतराई उतरते और मॉल पर पहुँच जाते, और वहाँ जो चॉकलेट और पेस्ट्री की खुशबू आती वो बहुत सुंदर। लेखिका अपने बचपन के बारे में आगे बताते हुए लिखती हैं, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका कहती है कि वो हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीद सकती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, साइड बोर्ड मतलब किनारे की अलमारी पर रख देती, और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। उनके भाई बहन जो थे वो पहले खा लेते थे, वो मज़े से बाद में खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। ये काफल जो फल है वो पहाड़ों में होते हैं, वो कैसे रहते हैं खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल गुलाबी। लेखिका रसभरी कसमल ये सब फलों को याद करती है। सोचकर ही मुंह में पानी भर जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, जो चेस्टनट फल था वो भी बहुत गजब था। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, चेस्टनट को आग पर भून कर उसके छिलके उतार कर मुँह में रखते थे। आगे बताती है कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। लेखिका बताती है कि उनके बचपन में गरम चना और अनारदाने का चूर्ण मिलता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी अब भी नज़र आती है। वो बताती हैं कि उनके बचपन में जो पुड़िया दिखती थी वो अभी भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का ही कमाल है। नीरा मतलब पूरे हाथ से ही का ही कमाल है जो पुड़िया बनती है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए।
एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। लेकिन क्या बताते हैं कि यह गाना बहुत उस समय फेमस था और हर बच्चे को यह गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, बुरकवाना मतलब छिड़काना, पूरा गिरजा मैदान घूमते तक क्या पुड़िया चलती, एक एक दाना खाते और यह पूरा गिरजा मैदान तक चलता है। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार रहती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। लेखिका कहाँ की थी, शिमला की थी, तो बताती है कि वो शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की हैं। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका बताती है कि हम लोग यहाँ के घोड़ों को देखकर हंसते थे। ननिहाल मतलब नाना नानी का घर, वहाँ के घोड़ों को याद करते और वो कितने खूब हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त और खूबसूरत थे। लेकिन लेखिका कहती है कि उनकी बात आगे देखते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटी बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। लेखिका कहती है कि सामने शिमला में जाकू का पहाड़ था और चर्च में घंटियां ऐसे लगती थी जैसे प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती। जैसे ही शाम होती और रात होने लगती तो बत्तियाँ जो थे टिमटिमाने लगती और बहुत सुंदर रौनक दिखाई देता। रिज पर रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। इस कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल मतलब आवाज़। आगे लिखती हैं सर्वर, इस कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। लेखिका बताती है कि वहाँ एक मॉडल रखा था ट्रेन का, इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। वो जो मॉडल था वो बहुत सुंदर था, पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी नहीं वही थी, कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। लेखिका बताती थी कि कभी कभी हमको हवाई जहाज़ भी देखने को भी मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। हमको ऐसे लगता था हवाई जहाज़ को देख के कि एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है, यह देखो। और वह गायब, उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। लेखिका बताती है कि मॉडल वाली जो दुकान थी उसके बाजू में एक दुकान थी, उसको भी मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि वहाँ पर मेरा एक पहला चश्मा बना था। वहाँ जो डॉक्टर थे तो वो क्या थे, अंग्रेज थे। कृष्णा जी आगे लिखती हैं कि शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब सबसे पहली बार उनको चश्मा लगा तो उन्हें लगाना अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, पहली बार चश्मा लगाने से सब ऐसे ही पूछते हैं। इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे ही कहा था लेकिन मेरा चश्मा अभी भी लगा हुआ है, नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। लेखिका कहती है कि डॉक्टर ने ऐसे कहा था लेकिन जो चश्मा नहीं उतरा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैम्प के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसे लग रही है। मेरा जो चचेरा भाई था वो मुझे चश्मे में देखकर छेड़ता है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मेरा चचेरा भाई मुझे ऐसे ही छेड़ाता था, मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। खींचना मतलब छेड़ना। वो लेखिका चिढ़ती है कि मुझे क्यों ऐसा कर रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही।
देखती रही, सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं, हाँ हाँ। लेखिका कहती है कि जब वो लोग चाय पी के चले गए तो मैं अपने कमरे में आईने के पास जाके देखती हूँ कि क्या मैं सही, मेरे चेहरे सही में लंगूर के जैसे दिख रहा है, कभी लगता नहीं कभी लगता हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, क्योंकि चश्मा था चेहरे पे और टोपा तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका कहती है कि वो तो बचपन में था, लेकिन अब तो ऐसे लग चश्मा के बिना मेरा चेहरा बहुत खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, मेरे बचपन की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो याद आती है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि शिमला में ठंडी रहती है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीते वाली हिमांचली टोपियाँ। लेखिका कहती है कि कहाँ दुपट्टे ओढ़ते रहो और कहाँ ये टोपियाँ जो सहज आसानी से और सुंदर सुशोभित होने वाली हिमांचली टोपियाँ, ये सब बहुत सुंदर लगती है। बच्चों, तो ये आपने इस कहानी के माध्यम से लेखिका के बचपन के बारे में जाना। आप भी अपने घर के बड़ों के साथ उनके बचपन की बातें कीजिए और जानिए कितनी मज़ेदार होती है सबका बचपन। धन्यवाद।